بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عزيز دوستو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारी गुफ्तगु फसल दहम में अल अमरु बिशेई बाद अल अमरि बिही, इन किसी चीज़ पर अमर आने के बाद जब दूसरी मरतबा अमर आता है तो उस सूरत में मुकल्लफ की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, क्या उसे चाहिए कि दो मरतबा उस अमल को अंजाम दे दे या नहीं, एक मरतबा अंजाम देना काफ़ी होगा। तो यहाँ इस बहस में मेन फोकस इस चीज़ पर है कि ये अमर दुवम को हम ताकीद पर हमल करेंगे या तासीस पर हमल करेंगे। ताकीद का मतलब ये इम्फिसाइज़ करना किसी अमल को, जैसे कि एक अमल अंजाम नहीं दिया है तो उसमें मज़ीद शिद्दत पैदा करने के लिए हम बार बार अमर करते हैं, इसको अंजाम दे दें, इसको अंजाम दे दें, इसको अंजाम दे दें। तो चंद मरतबा जो हम हुक्म कर रहे हैं बजा लाने के लिए कह रहे हैं, ये क्यों है? ताकि वो जिसके लिए हमने अमर किया है मामूर उस अमल को तर्क न करें बल्कि हर हालत में उसे अंजाम दे दें। लेकिन बाज़ औक़ात तासीस है, तासीस का मतलब ये है कि हर दफ़ा, मतलब एक दफ़ा हुक्म किया था उसने अंजाम नहीं दिया, दूसरी मरतबा हम हुक्म कर रहे हैं तो दूसरी मरतबा का मतलब दो मरतबा उस अमल को अंजाम देना है, एक मरतबा अंजाम देना मकसूद नहीं है। तो हमारी बात आज इसी में है कि अमर दुवम अमर अव्वल के इम्तिसाल से पहले अगर आ जाता है तो इस अमर दुवम को हम किस चीज़ पर हमल करें, ताकीद पर या तासीस पर। अमर करने के बाद दोबारा अमर करना, यानी किसी भी चीज़ पर एक दफ़ा हुक्म आने के बाद दूसरी मरतबा अमर आ जाए तो यह अमर दुम तासीसी होगा या ताकीदी। मसलन मौला किसी चीज़ का अंजाम देने का हुक्म करें, फिर उसके बजा लाने से पहले एक दफ़ा और हुक्म करें तो यह अमर दुम अमर अव्वल के लिए ताकीद है या कोई नया हुक्म, बात इसी में है। मसले की मुख्तलिफ सूरतें, ये जो मसला है उसमें हम जनरली एक व्यू दे दें ये बेहतर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सूरतें बनती है और हर सूरत में हो सकता है हुक्म दूसरी सूरत से मुख्तलिफ हो, लिहाजा तफसीलन बयान करना ज़रूरी है। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि अमर दुवम का मुताल्लक किसी ऐसी चीज़ के साथ मुकय्यद और मशरूद हो जो तअद्दुद और कसरत पर दलालत करे, जैसे सल्ली फिर कहें सल्ली सलातन उखरा। तो यहाँ पर क्या है, पहले कहा सल्ली नमाज़ पढ़े, नमाज पढ़ी नहीं थी, एक मरतबा और हुक्म आता है सल्ली सलातन उखरा, एक और नमाज़ पढ़े। तो ये क्या, ये जो सल्ली सलातन उखरा, क्या ये इसको हम ताकीद पर हमल करेंगे या तासीस पर। दूसरी सूरत, हर हुक्म के लिए ख़ास सबब जिक्र किया गया हो, जैसे इज़ा नुन तफतवज़ा औ इज़ा मसस्त मैतन फतवज़ा। मसलन एक आदमी को हुक्म हो रहा है कि जब तू सो जाए तो फिर क्या करें, वज़ू करें, चूँकि नींद नवाकिज़ वज़ू में से एक नाकिज़ है। इसी तरह से मस मैत जो है, अगर मैत को टच करे, एक बंदा दुनिया से रिहलत कर चुका है, बदन ठंडा हो चुका है और एक दूसरा आदमी उससे मस करता है तो क्या कहा, इज़ा मसस्त मैतन फतवज़ा, अगर मैत को हाथ लगे तो क्या करें, वज़ू करें। तो यहाँ पर देखें दोनों में वज़ू का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन एक में इल्लत नींद है लेकिन दूसरे में जो इल्लत है वो क्या है, वो मस से मैत है। तो यहाँ पर भी सवाल होगा कि एक वज़ू दोनों के लिए काफ़ी है या हर एक के लिए अलग से वज़ू करना ज़रूरी है। दोनों हुक्मों में से एक के लिए सबब जिक्र किया जाए दूसरे का नहीं, जैसे तवज़ा फिर कहें इज़ाबुल तफतवज़ा। मिसाल के तौर पर शारी ने क्या कहा, तवज़ा का वज़ू करें, इसके बाद का इज़ाबुल तफतवज़ा, अगर बोल करें तो वज़ू करें। तो यहाँ पर क्या है, पहली जो सूरतों में हमने जो जिक्र किया था वहाँ पर सूरत और है, यहाँ पर क्या है, पहले जो अमर आया हुआ है वो मुतलक है, बग़ैर किसी क़ैद के, बग़ैर किसी सबब को जिक्र के जिक्र किया है तवज़ा का। लेकिन दूसरा जो हुक्म है वो मुकय्यद है, एक क़ैद के साथ, एक सबब के साथ, भूलता कहा है कि जब बोल करें तो वज़ू करें। तो यहाँ पर भी वही सवाल होगा कि इस अमर दुवम को हम किस चीज़ पर हमल करें, ताकीद पर या तासीस पर। दोनों हुक्म किसी सबब के बग़ैर हो, मसलन सल्ली और सल्ली, कोई सबब जिक्र नहीं हुआ है, कोई इल्लत किसी के जिक्र नहीं हुई है, दोनों बग़ैर किसी सबब के जिक्र हुक्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको ताकीद पर हमल करें या
इन दोनों को हम तासीस पर हमल करें क्या होगा। तो मुसन्निफ़ जो है अपना नज़रिया पेश करते हैं, मुसन्निफ़ का नज़रिया ये है कि मुसन्निफ़ थोड़ा तफसील का कायल है। पहली सूरत में अमर दुवम को तासीस पर हमल किया जाएगा और तदाखुल जायज़ नहीं है, क्योंकि अमर दुवम तअद्दुद पर सराहतन दलालत कर रहा है। अब देखें यहाँ पर क्या है, तदाखुल की बात की है। तदाखुल का मतलब, तदाखुल एक इस्तिलाह है, उसूली है। तदाखुल का मतलब यह है कि तदाखुल बाज़ औक़ात असबाब में होता है और बाज़ औक़ात मुसब्बबात में होता है। असबाब में तदाखुल का मतलब यह है कि बहुत सारे असबाब को जमा करके हम एक सबब बनाएं और उसके बाद उस सबब के लिए एक मुसब्बब को अंजाम दे दें, तो उसको कहते हैं तदाखुल असबाब। मिसाल के तौर पर कोई 10 जनाजे पड़े हुए हों और एक बंदा जाकर उनमें से हर एक से जो है वो टच करता है, तो क्या हो गया? तो यहाँ पर एक पहला जनाजे से उसने हाथ उसको टच किया तो उसूल वाजिब हो गया, दूसरे को वाजिब, तीसरे पर हाथ लगाया। तो इसी तरह से 10 जनाजों में से हर जनाजे के साथ जब उसने क्या किया है, उसमें से हर एक से टच किया है, तो हर एक सबब बन रहा है किस चीज़ के लिए, गुस्ल के वाजिब होने के लिए। अब हम यहाँ पर ये कह दें कि 10 के 10 जो असबाब है इन सब को हम जमा करेंगे, जमा करने के बाद कहेंगे ये सब मिलके एक सबब जो है वजूद में आएगा और उस एक सबब के नतीजे में एक मुसब्बब होगा, वो गुस्ल होगा। अगर यूँ कहें तो उसको इन तदाखुल असबाब, इन मुतअद्दिद असबाब को जमा करके हमने एक सबब बनाया। लेकिन बाज़ वक़्त तदाखुल मुसब्बबात है, अगर हम असबाब में तदाखुल के कायल ना हों, हम ये कह दें नहीं हर सबब के लिए अलग अलग मुसब्बब चाहिए, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है, ठीक है हर सबब अपना जो है तकाजा कर रहा है, क्या एक मुसब्बब को ऐसा मुसब्बब होगा जिस एक मुसब्बब को अंजाम देने से कि तमाम तर असबाब के लिए इसे एक मुसब्बब को हम काफ़ी समझे। मसलन मिसाल एक देते हैं, मसलन किसी पर गुस्ल जनाबत अगर वाजिब हो गया हो तो ये एक गुस्ल क्या है, बहुत सारे अक्साल जो इंसान पर वाजिब हो चुके हों सब के लिए काफ़ी है, तो ये एक मुसब्बब क्या है, सब सबब के लिए काफ़ी है। तो यहाँ फरमा रहे हैं मुसन्निफ़ का ये नज़रिया है कि चूँकि सूरत अव्वल क्या थी, सूरत अव्वल ये थी सल्ली, इसके बाद था सलातन उखरा कहा था, तो ये सलातन जो उखरा है इसमें यह उखरा एक ऐसी कैद है जो 100% तअद्दुद पर यह कैद दलालत कर रही है। लिजा ये अमर तासीसी अमर होगा, अमर ताकीदी नहीं होगा। दूसरी सूरत में भी अमर दुगुम को तासीस पर हमल करेंगे क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग सबब जिक्र हो रहा है। दूसरी सूरत ये थी इज़ा नुमता फतवज़ा व इज़ा मसस्ता मैतन फतवज़ा, उनमें से हर एक के लिए, हर मुसबब के लिए, हर वज़ू के लिए यहाँ पर सबब जिक्र हो रहा था। तो फरमाते हैं मुस्तनिफ़ क्या फरमाते हैं, यहाँ पर भी हम तासीस पर ही हमल करेंगे, ताकीद पर हमल नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि मुतअद्दिद है, सबब मुतअद्दिद है। लेकिन बहस यह है कि इस सूरत में तदाखुल मुमकिन है या नहीं है, यहाँ पर यह बहस हो रही है। ठीक है सब असबाब में तो हम तदाखुल का कायल नहीं हो सकते, तो क्या यहाँ पर मुसब्बब में तदाखुल होगा, यानी हम एक मुसब्बब को अंजाम दे दें, एक दफ़ा गुस्ल करें, उस एक गुस्ल से सारे जो है ज़िम्मेदारियाँ हमारी अदा हो जाए या नहीं है? लेकिन बहस यह है कि इस सूरत में तदाखुल मुमकिन है या नहीं है, तो जवाब यह है तदाखुल के मुमकिन होने या ना होने के फैसला करना मौकूफ़ है कि आप मुसब्बबात में क्या राय रखते हैं। अगर वहाँ तदाखुल के कायल हैं तो यहाँ पर भी तदाखुल होगा, इंशाल्लाह बाफाहिम के बहस में हम तफसीलन पढ़ेंगे। वहाँ पर अगर आप तदाखुल मुसब्बबात के कायल हो जाते हैं तो यहाँ पर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है कि दो के बदले में आप एक दफ़ा गुस्ल करें, वही एक दो गुस्ल क्या होगा, काफ़ी होगा, एक वज़ू करें दोनों के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर तदाखुल का कायल नहीं है तो यहाँ पर भी तदाखुल नहीं हो सकता है, इंशाअल्लाह तदाखुल के बहस बाद में आ जाएगी। बस गुफ्तगू सिर्फ आखिरी दो सूरतों में ही होगी, बस यहाँ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी हमारी गुफ्तगू का जो है वो इख्तिसास या गुफ्तगू का महवर आखिरी दो सूरतें हैं। कौन कौन सी सूरतें, जहाँ पर उनमें से एक के लिए सबब जिक्र हुआ है दूसरे के लिए नहीं, या दोनों के लिए कोई सबब जिक्र नहीं हुआ है, वहाँ पर क्या होगा? तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं इन दोनों सूरतों में इजमा का कायल होना किसी एक नज़रिए तासीस और ताकीद को कबूल करने से बेहतर है, यानी हम इजमा का कायल हो जाए, क्योंकि दोनों अमर की हैत तअद्दुद बास पर दलालत करती है। चूँकि यहाँ पर जो अमर है सल्ली, इसके बाद जो है फसल्ली जो कहा है, यह तवज़ा इज़ाबुल तफ़ तवज़ा, दोनों सूरतों में जो हैत वहाँ पर जिक्र हो रही है वह हैत किस पर दलालत करती है, तअद्दुद बास पर दलालत करती है। और बास ताकीद और तासीस से क्या है, आम है। ये जो बास हम जिक्र कर रहे हैं ये बास ताकीद और तासीस से आम है, बास का मतलब न ताकीद है और न ही तासीस है।
जो लोग कहते हैं, आप यहाँ पर बाद लोगों ने कहा है कि तासीस अवला है किससे, ताकीद से, यानी हम ताकीद पर अगर हमल करें तो ये बेहतर नहीं है बल्कि तासीस पर हमल करें। बाद लोगों ने ये नज़रिया अख्तियार किया है, मुसन्नी फरमाते हैं कि तासीस अवला है ताकीद से, इनके कहने से ज़ुहूर उर्फ़ी साबित नहीं किया जा सकता। अगर ज़ुहूर उर्फ़ी साबित हो ये बात उनकी जो है साबित, फिर ठीक ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ज़ुहूर उर्फ़ी साबित ना हो तो फिर सिर्फ यह कहने से, आपके दावा से हम आपके नज़रिए को नहीं मान सकते। सवाल, अल-अम्र बिशय बाद अल-अम्र बिही का मतलब वाज़ह करें। अल-अम्र बिशय बाद अल-अम्र बिही की मजमूई तौर पर कितनी किस्में बनती है बयान करें, और कहाँ पर तदाखुल दुरुस्त है और कहाँ पर तदाखुल दुरुस्त नहीं है, तफसीलन बयान करें, और मुसन्निफ़ की क्या राय है बयान करें। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।